नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुछ हिंदी पर और मैं हूं अभिनव सिंह। दोस्तों आज संडे है तो मॉर्निंग में मैंने संडे कमेंट बॉक्स का जो एक पोस्ट डालता हूं आप सबके जो सवाल होते हैं तो इस वीडियो में उन्हीं सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो होता क्या है कि रिपीट क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं तो एक ही लोग का बताऊँगा मैं, सबका तो बताऊँगा नहीं। तो जिनका लिया हूँ और जिनका नहीं ले पाया हूँ बुरा मत मानना, नेक्स्ट टाइम आप यूनिक क्वेश्चन पूछा करो, देख लिया करो कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा नहीं, तो उसी हिसाब से करोगे तो मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपका। चलिए फिर बिना देर किए सवाल और जवाब शुरू करते हैं। अमेजिंग वीडियो ये पूछते हैं कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। देखो पास होने के लिए 50 मार्क्स आपको लाना इंपॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है। बाकी 50 कम से कम ला जाए, बाकी जितना ज़्यादा आप ला सकोगे 85% से जो ऊपर लाता है उसको ए ग्रेड एस ग्रेड मिलता है बल्कि, तो उसी हिसाब से होता है सब ग्रेड बने हुए हैं। वैसे 50 से ऊपर आप पास हो जाओगे, ग्रेड से कुछ मतलब नहीं होता, इसमें सिर्फ पास होना ज़रूरी होता है ट्रिपल सी एग्ज़ाम में। अब नेक्स्ट समीरुद्दीन सिद्दीकी ये कहते हैं कि सर गुड नून, मैंने मार्च में ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दिया था बट अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो देखो आ चुका है मार्च, और जो मार्च में दिया था उनका भी आ चुका है और जो फरवरी में दिया था उनका भी सर्टिफिकेट आ चुका है। तो जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था मार्च और फरवरी में जाके चेक करो, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपका। ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिलता है, वहाँ पर जाके देखोगे आप नाइलेट की जो ऑफिशियल साइट है, जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो रिजल्ट डाउनलोड करते हो उसी तरह से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड होता है, उसमें एक ऑप्शन नीचे रहता है वहाँ से आप घर पे कर लो चाहो तो, चाहो तो साइबर कैफे चले जाओगे तो वहाँ से अच्छे से आपका हो जाएगा क्योंकि उसमें सिग्नेचर वेरीफाई करना पड़ता है और एवव रीडर जो आता है एक एडव रीडर करके उससे हम सिग्नेचर भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एस वाई म्यूजिकली ये पूछते हैं कि पीएम किसको बनाएं। तो देखो बहुत लेट हो गया, वैसे छठा चरण का चुनाव आज हो रहा है, इसके बाद एक ही चरण बचा है आखिरी सातवां बस, बाकी सब इलेक्शन हो चुका है कंप्लीट। वैसे आपको जो लगे बेटर बाकी सब नेताओं से, ये तो मैं नहीं कह सकता कि सब बहुत अच्छे ही हैं, लीडर होते हैं सब पार्टियाँ दूध की धूली हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, कोई भी सब वही हाल है, लेकिन हु इज़ बेटर हमें ये सोचना चाहिए कौन उन सबसे अच्छा है। देश को एक मजबूत सरकार चाहिए, देश हमारा मजबूत हो, जाति पात ये सब से दूर हो के हमें वोटिंग करनी है, हमारा कैंडिडेट कौन अच्छा है ये सब देख के वोटिंग करनी है। तो ये सब ध्यान रहे, जाति पात ये सब के चक्कर में पड़ोगे तो हमें भी नुकसान होगा, हमारे देश का भी नुकसान होगा, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी हमारे देश में, तो हमें सोच समझ के वोटिंग करना है। बस एक ही चरण तो बचा है और सब मन भी बना लें किसको देना है, चलो देखते हैं 23 मई को इंतज़ार करते हैं कौन बनता है प्रधानमंत्री। कोमल दुबे ये कहती हैं सर मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ है यूपी, हम भी वोट डाले हैं। वैसे मेरा भी प्रतापगढ़ है और हमने भी आज वोट डाला है, इनका इसलिए ले लिया क्योंकि इन्होंने वोट डाला है, वोट डालना बहुत ज़रूरी है और हर किसी को वोट डालना ज़रूरी है। जैसे हम लोग सपोर्ट तो करते हैं उनको जीतना चाहिए लेकिन वोट नहीं करते, बहुत से लोग ऐसे हैं, तो वोटिंग बहुत ज़रूरी, तभी तो जीतेगा वो जिसका आप सपोर्ट कर रहे हो, वोट ही नहीं करोगे तो क्या जीतेगा। तो वोटिंग सबको करना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो वोटिंग सबको करना है। अब नेक्स्ट कनक लता पांडे ये कहती हैं कि सर आप अभी मुंबई में ही हो या फिर प्रतापगढ़ आ गए। तो मैं प्रतापगढ़ आ गया, मैं तभी वोटिंग किया, देखो पीछे बैकग्राउंड यही पुराना वाला है, ये मैं फिर से वापस आ गया हूँ प्रतापगढ़, वैसे घूमने के लिए गया था बस एक हफ्ते के लिए मुंबई, फिर कभी जाऊँगा तो आपको ज़रूर घुमाऊँगा, ठीक है, अभी तो मैं अपने यहाँ हूँ, ये पीछे वही सब बैकग्राउंड है, सामने यहाँ क्यों बैठता हूँ मैं, सामने खिड़की रहती है तो थोड़ा उजाला आता है, ऐसे कोई सेटअप तो बनाया नहीं अभी मैं, देखो फ्यूचर में बनाने का सोच रहा हूँ। अब नेक्स्ट संदीप कुमार मौर्य ये कहते हैं कि मोनेटाइज हो जाने पर वीडियो डिलीट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं इजीली, ठीक है, मोनेटाइज के पहले करो बाद में करो, वीडियो आपकी मर्ज़ी, आपके चैनल है, चाहे जब डिलीट करो। नेक्स्ट धीरू भाई ये कहते हैं सर एक बार मेरा नाम ज़रूर लेना, तो धीरू भाई इनका नाम है, मैंने दो बार ले लिया। प्रशांत खरे ये कहते हैं कि सर आपकी वॉयस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपकी वॉयस कुदरती है या कुछ उपाय किया है सर। तो कुछ तो उपाय तो किया नहीं मैंने, वैसे कुदरती है, जैसे बोलता हूँ ऐसे बोलता हूँ मैं, तो ये कुदरती समझ लो, थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ मैं आगे के लिए कि और वॉयस अच्छी ही रहे, ऐसा होता है लेकिन मेरे कुछ कुदरती ये समझ लो, अब तो ऐसा है नहीं कि बना लूँगा वॉयस में। अब नेक्स्ट साजिद महुली ये कहते हैं डिफरेंस टू डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है वो तो हमारा एटीएम जो कार्ड होता है वही होता है,
और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में ये डिफरेंस है, डेबिट कार्ड से आप तभी पैसा निकाल सकते हो जब आपके अकाउंट में पैसे होंगे, और क्रेडिट कार्ड से बिना पैसे के भी आप निकाल सकते हो, आपके खाते में पैसे नहीं है फिर भी आपको मिल जाएगा पैसे, मतलब आपकी उतनी क्रेडिट होती है उस हिसाब से, उसका लिमिट होता है कि इतनी क्रेडिट है आपकी महीने का, 10,000 आप खर्च कर सकते हो, फिर अगले महीना आप उसको जमा कर दोगे फिर आप खर्च कर सकते हो, ऐसा होता है। मुनेश पाल ये कहते हैं, सर मैं मुनेश पाल, मुझे ये बताएं कि मैंने लास्ट मार्च में CCC का रजिस्ट्रेशन किया था, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? तो एग्ज़ाम मार्च वालों का मैंने बताया ना आपको, फरवरी और मार्च दोनों का एग्ज़ाम मई में होगा इस बार, और जिन्होंने अप्रैल में अप्लाई किया था, ध्यान से सुन लो सब कुछ, जिन्होंने अप्रैल में अप्लाई किया था उनका एग्ज़ाम जून में होगा, और मार्च और फरवरी वालों का एग्ज़ाम मई में होगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड वाली बात है तो 15 मई के बाद एडमिट कार्ड आने की संभावना, जो यही 15 मई आने वाला है उसी के बाद आएगा, पहले नहीं आने वाला, क्योंकि 22 से 28 के बीच ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब उसमें दिया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये कि उसी बीच एग्ज़ाम होना है, तो 15 के बाद आएगी, जब आएगी तो मैं आपसे ज़रूर बताऊँगा सब कुछ, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसके बारे में सब कुछ मैं बताऊँगा, कन्फर्म है कि 15 के बाद आएगा, क्योंकि 22 एग्ज़ाम होना उसके बाद आएगा, पहले नहीं आएगा। अब नेक्स्ट, वैभवी दीक्षित ये कहती हैं कि व्हाट इज़ डेट ऑफ जून एग्ज़ाम? तो जून का एग्ज़ाम पहले वीक में होता है लेकिन इस बार लेट हो सकता है, पहले जान लो, वैसे एग्ज़ाम होने का जो रूल है फर्स्ट वीक में होता है, जून में हर महीने में ऐसे होता है, लेकिन इस बार क्या होगा कि जून में पहले वीक में होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि जो मई का एग्ज़ाम है एकदम आखिरी तक देखो चल रहा है 22-28 के बीच, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, वैसे 10 जून के आसपास एग्ज़ाम होगा जून वाला। अब नेक्स्ट, हिमांशु शर्मा ये कहते हैं कि सर मैंने मई में अप्लाई किया था, एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा? तो मई वालों का इस बार एग्ज़ाम जून छोड़ के जुलाई में होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, अगस्त में होगा, और अगस्त में ही सब कुछ होगा, एडमिट कार्ड भी आएगा और एग्ज़ाम भी होगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला, इंतज़ार करना पड़ेगा आपको अगस्त तक। फिर दोस्तों यही था आज का आखिरी क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कर देना, जिनका मैं नहीं ले पाया इस बार नेक्स्ट टाइम यूनिक क्वेश्चन किया करो आप, जैसे देखा करो कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आया है, थोड़ा अलग होता मैं ज़रूर लूँगा उसको, ठीक है, और जिनका नहीं ले पाया हूँ यार सॉरी, नेक्स्ट मैं ज़रूर लूँगा मैं उनका। फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।